नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों आइए, आपके लिए एक विशेष टॉपिक जो मैं आपके लिए देखिए सामने लिख रखा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में आईओटी क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क बच्चों, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें मशीन्स आर मच मोर कनेक्टेड रेदर देन पीपल, यानी मशीनें ज्यादा जुड़ेंगी, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा जो नेटवर्क होगा वो हमारे लिए यूजफुल होगा। आने वाला दुनिया में, आने वाली भविष्य में आपका आईओटी चारों ओर नजर आएगा। अभी भी नजर आने लगा है बच्चों, वो बात अलग है कि आप फील कर पाए चाहे ना कर पाए। स्मार्ट सिटीज में आप चले जाओ, बहुत सारे ऐसी चीजें आईओटी बेस्ड हो चुकी है। तो साहब आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आज इस विषय पे भी जानकारी की जाए कि साहब आईओटी में जो आईओटी सिस्टम डेवलप होगा उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मेरा मतलब है कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर बच्चों आईओटी का निर्माण होगा। तो आइए देखा जाए, देयर आर फोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। वो कौन कौन से प्रमुख बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके आईओटी के? तो भैया सबसे पहला जिसको मैं कहूंगा, सेंसर्स एंड एक्वेटर। नंबर दो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, पहला तो हो गया सेंसर्स एंड एक्वेटर्स, दूसरा बच्चों जिसको मैं कहूंगा प्रोसेसर्स। ध्यान से इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों ध्यान पूर्वक समझिए। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक जिसको मैं बोलने जा रहा हूं गेटवेज, और भैया चौथा फोर्थ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम है एप्लीकेशन। जिसका क्या नाम है साहब? एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस कह सकते हैं आप। मुद्दा यह है कि ये जो चार डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर आपके आईओटी, यानी यही वो हिस्से हैं या कंपोनेंट हैं जो आईओटी का बच्चों निर्माण करते हैं। सबसे पहला सेंसर्स एंड एक्वेटर्स, आइए थोड़ा सा इसका भी अध्ययन किया जाए कि पहले तो ये सेंसर्स क्या होते हैं। तो भैया दे आर द स्मॉल डिवाइसेस दैट कैप्चर लाइव, इसी को हम कह सकते हैं एनालॉग डेटा। फ्रॉम कहां से, कहां से ये लाइव एनालॉग डेटा उठाएंगे? एनवायरमेंट से। ये आपका एनवायरमेंट से बच्चों डेटा को कैप्चर करते हैं या कहें तो पिक करते हैं। दे कैप्चर लाइव डेटा। बच्चों यहां लाइव शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। एक ऐसा डेटा जो आपके सराउंडिंग में है, वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल है, जो परिवर्तनशील है, जिसमें निरंतर बच्चों बदलाव हो रहा है, ऐसे डेटा को प्रोसेस करना या कहें कैच करना जिम्मेदारी है किसकी? सेंसर्स की। बच्चों सेंसर को कुछ लोग एक और नाम से जानते हैं, वो कहते हैं बच्चों कि ये होता है एडीसी, जिसका मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एडीसी, दैट इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको कहा जाता है सेंसर्स। समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों बात?
व्हाट इज सेंसर? सेंसर्स इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी सराउंडिंग से डेटा को पिक करेगा, उसको बदलेगा, चेंज करेगा एनवायरमेंट के हिसाब से और कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। अब बच्चों सेंसर बहुत प्रकार के होते हैं, मुझे अभी सेंसर्स में नहीं जाना, मैं अलग से एक कंप्लीट वीडियो सेंसर्स का आपके लिए बनाऊंगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्वेटर्स। ये एक्वेटर्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ लोग इनको मोटर्स भी कह सकते हैं। ये वो डिवाइस है जो बच्चों कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी, फोर्स या मोशन में, या कहा जाए लाइट को, विद्युत को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, यानी फोर्स के फॉर्म में, जिसको हम मोटर भी कहते हैं। तो भैया एक्वेटर इज द रिवर्स। किसका रिवर्स होता है भैया? ये सेंसर्स का। सेंसर का उल्टा है एक्वेटर। इसको कहा क्या जाता है? इट इज फॉर्मली कॉल्ड, हम लोग इसको और क्या कह सकते हैं, वो ए डी सी था, ये डी ए सी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब क्या माय डियर? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिकल सेंसर ने जो डेटा को, लाइव डेटा को कैप्चर किया, एनालॉग से डिजिटल बनाया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में बनाया, वापस रियल टाइम में बच्चों जो एक्शन करेगा वो एक्वेटर करेगा, यानी मोटर करेगा, है ना। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर के डोर क्लोजर जो है, जो डोर क्लोजिंग सिस्टम है, वहां पर कोई व्यक्ति आता है, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके गार्जियन आते हैं, उनकी इमेज को पिक करना, इमेज सेंसर लगा है, एनालॉग डेटा कन्वर्ट कर देना डिजिटल फॉर्म में, वो इमेज नेटवर्क के द्वारा क्लाउड से होता हुआ प्रोसेस होने के पश्चात यूजर के पास गया, यूजर ने क्या है ओपन का बटन दबाया। ओपन का बटन मतलब समझते हैं रिमोट कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन जो सिग्नल है उसको नेटवर्क से पहुंचेगा एक्वेटर के पास, एक्वेटर क्या करेगा, यानी वही मोटर छोटी सी, वो डोर को ओपन कर देगा, यानी वो सिग्नल जो, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देगा फोर्स या मोशन में। तो बच्चों ये हुआ ना कमाल की चीज। यहां आईओटी में दोनों चीजें मिलकर, कोई सेंसर अकेले काम नहीं कर सकता, एक्वेटर अकेले काम नहीं कर सकते, दोनों का अपना बच्चों रोल है, दोनों वाइस वर्सा वर्क करते हैं, एक एनालॉग टू डिजिटल, दूसरा तुम्हारा डिजिटल टू एनालॉग। तो आशा करते हैं आपको सेंसर और इक्वेटर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दूसरा आपके आईओटी का जो दूसरा सबसे प्रमुख कंपोनेंट, वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक इनपुट, मैनिपुलेट डेटा, एंड गिव द आउटपुट। तो साहब ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर वाला काम यूजर एंड पे नहीं होता, ये कहां पे होता है आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, क्लाउड पर होता है। और क्लाउड पर जो एनालिसिस होती है आपको मैं बता दूं, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, वो कैसी एनालिसिस होती है? बिग डेटा एनालिटिक्स होती है, यानी कि यूजर तक जो रिफाइंड डेटा, जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रोसेस का। अगर मैं कहूं कि जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है आईओटी का, इसको आप कहें ब्रेन ऑफ आईओटी तो गलत नहीं होगा। आईओटी का ब्रेन होता है बच्चों ये। व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रेन ऑफ आईओटी। ब्रेन ऑफ आईओटी का मतलब ये आईओटी का दिमाग होता है, सोचना समझना ये सारा किसका काम है? प्रोसेस का। अरे भैया सेंसर के पास थोड़ा दिमाग है, वो उसने तो बस डेटा कैच कर लिया, डेटा उठा लिया, डेटा पिक कर लिया, डेटा गेटवे के द्वारा पहुंचा दिया
भंडार कर दिया, लेकिन उसके ऊपर एनालिटिक्स, उस डेटा का रिफाइन करना, माइनिंग करना ताकि कुछ मिले हमें, शोधन करना, यानी प्रोसेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है बच्चों। और इसी के साथ तीसरा कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं बच्चों गेटवेज। ये गेटवेज क्या होते हैं? आपको मालूम है कि सेंसर डेटा को कैच कर रहा है कहां से? सेंसर रियल वर्ल्ड से डेटा को कैच कर रहा है। ये आपका सेंसर है, और भी तमाम सेंसर्स होते हैं आप जानते हैं। ये डेटा को कैच किया, अब गेटवेज यानी नेटवर्क की बात आ गई। ये गेटवे क्या करेगा? ये गेटवे डेटा को नेटवर्क से होता हुआ कहां पर ले जाएगा? क्लाउड के पास। आपको मालूम है यहीं पे बच्चों प्रोसेस होना है। प्रोसेस भी एक कंपोनेंट है आपका, और प्रोसेसिंग के पश्चात पुनः ये रोल आएगा किसका? गेटवे का, यानी फिर वही नेटवर्क यूज होगा जो कि डेटा को कहां पहुंचाएगा बच्चों? यूजर के पास पहुंचाएगा। यूजर को हम आईओटी के एक और कंपोनेंट के रूप में जानते हैं, जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं। मैंने नोट कराया है, तो ये देख लीजिए, ये पूरा इंटायर सिस्टम सीन आपके सामने मैंने उठाकर दिखा दिया। अगर आप इसको देखेंगे और समझने की बच्चों कोशिश करेंगे, तो सेंसर्स ने साफ क्या किया? कैच किया। लेकिन बताओ, कैच करना ही महत्वपूर्ण है क्या? गेटवे यानी नेटवर्क अगर ना होता तो क्या वो डेटा सही टाइम पर पहुंच पाएगा क्या क्लाउड तक? नहीं पहुंच पाएगा। और जब वो डेटा सही टाइम पर क्लाउड पर नहीं पहुंचेगा, जब डेटा आपके क्लाउड पर जाएगा नहीं, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी क्या? आईओटी का ब्रेन तो यहीं पर है। तो साहब, गेटवे का एक बहुत बड़ा रोल है। हर कंपोनेंट का अपना महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई कंपोनेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई कंपोनेंट बच्चों कम महत्वपूर्ण है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैड इट्स ओन वैल्यू। इसको वैल्यू चेन भी आईओटी का कहा जाता है। और जब सारे मिलते हैं, अब आप इसमें बताइए, सेंसर का अपना रोल है, गेटवेज का अपना रोल है, प्रोसेस क्लाउड का अपना रोल है, और फिर जो डेटा रिफाइन होकर निकला उसको ले जाना कहां तक? गेटवे के द्वारा। फिर नेटवर्क का रोल है यूजर तक ले जाना। अगर यूजर को सही टाइम पे प्रोसेस डेटा नहीं मिलेगा बच्चों, अल्टीमेटली तो बॉस तुम ही हो, हम ही हैं। आईओटी इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन डिसाइडर कौन रहेगा? डिसाइडर हमेशा यूजर रहेगा। इंसान कभी भी की रोल को नहीं छोड़ेगा। जिस दिन इंसान ने की रोल को छोड़ दिया, जैसे कि बातें होती हैं, लोग मजा करते हैं कि आने वाला समय तो आईओटी का है। भैया, अच्छी बात है, आने वाला समय आईओटी का है, एआई का है, लेकिन इंसान को रिप्लेस कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती बच्चों। अल्टीमेट बॉस तो हम आप रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जिस दिन वो समाप्त हो गया, फिर तो हमारी आपकी आवश्यकता इस गोले से खत्म होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आईओटी के क्या होते हैं, जिनके द्वारा आईओटी इंप्लीमेंटेशन किया जाता है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे लिए अत्यंत अच्छी बात है। इसके बाद किसी अन्य विषय पर आपके आईओटी के लिए मैं नया वीडियो आपके साथ लेकर आऊंगा बच्चों। तो निरंतर देखते रहिए, जुड़ते रहिए, बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक आने वाले हैं। निरंतर आगामी पूरी सीरीज चल रही है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे आईओटी के कोर्स उपलब्ध हैं बच्चों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं आपके लिए निरंतर वीडियोस बनाता रहा हूं, बनाता रहूंगा, इस उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।